हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं ऋषभ अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सलेंस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज आपका स्वागत इसलिए और अच्छे से कर रहा हूं क्योंकि हम जो है नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, नए यूनिट की शुरुआत कर रहे हैं। हम जो बात कर रहे हैं सेकंड नंबर के यूनिट जो कि है आपका धातुओं और क्या अधातु के बारे में। सर, धातु और अधातु के बारे में मतलब क्या? अध्याय नंबर 9 और अध्याय नंबर जो 11 है उस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो धीरे धीरे हमारा सीक्वेंस बढ़ता जा रहा है। केमिस्ट्री पोर्शन हम पहले करने वाले थे, जैसे हमारा डील हुआ था आपसे, हम जैसे कि आपको बताए थे, तो उसी कड़ी में हमने 2 और 4 अध्याय को पढ़ लिया, रसायन शास्त्र का जो क्षेत्र था उसके। अब आज बात कर रहे हैं कक्षा 9, 10वीं का अध्याय नंबर 9 धातु एवं धातु कर्म, और अब बात करेंगे उसके बाद अध्याय नंबर 11 अधातुओं का रसायन। तो सबसे पहले जैसे कि हम क्या कर रहे थे, सीक्वेंस से बढ़ रहे हैं, आज हम बात करेंगे अध्याय नंबर 9 धातु एवं धातु कर्म के 1 नंबर से आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उस पर हम आज डिस्कशन करेंगे। और हम बताना चाहेंगे कि हमारा जो मिशन 2023 है ना, मार्च मिशन जो है हमारा 2023 है, उसका शुरुआत हमने कर रखा था और आपके लिए हर एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आपको जो जरूरत है वो सबको वीडियो हम बनाते जा रहे हैं और आपके लिए लाते जा रहे हैं। बच्चों, आप को पूरा फैकल्टी का हमारा जितना भी है वो सब वीडियो अपलोड होते जा रहा है और आपको मिलते जा रहा है और आप इसका आनंद उठा रहे रहेंगे। बच्चों, बस आप शेयर नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता है इस चीज़ से और हम आने वाले दिन में आपके लिए और अच्छे से अच्छा जितना हो सके आपको हेल्पफुल रहे वो सब वीडियो आपके लिए बनाते रहें, अपलोड करते रहें। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारे YouTube चैनल की। तो अब हम शुरुआत करते हैं पढ़ाई के बारे में, हम चालू करते हैं। तो भाई हम जो है इकाई 2 का चैप्टर नंबर 9 एक अंक वाले प्रश्न पर डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 9 क्या है सर? चैप्टर नंबर 9 अध्याय 9 जो है धातु एवं धातु कर्म, मेटल एंड मेटलर्जी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। 1 नंबर के जितने प्रश्न हैं उस पर देख लेते हैं। भाई अब सब बोलोगे कि सर 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें भी आता है। हाँ भाई, इसमें भी 2 मार्क्स का आता है, 1-1 नंबर का तो क्वेश्चन आता है और साथ में सीधा आता है 6 नंबर का क्वेश्चन। मतलब क्या, छोटा क्वेश्चन को ध्यान ही नहीं देना है, ऐसा आपके मन में आया होगा। लेकिन हम छोटा क्वेश्चन जैसे 2 अंक 3 अंक है उसको हम 6 अंक वाले जब क्वेश्चन का डील करेंगे उसमें 2 अंक 3 अंक वाले जितना भी क्वेश्चन है उसको आपके प्रैक्टिस के लिए लाएंगे। इसके लिए आप क्या रहे, हमारे से जुड़े रहिए। तो चलो शुरुआत करते हैं 1 नंबर के जितने क्वेश्चन उस पर। तो देखो भाई, सही विकल्प चुनकर लिखिए सर। 2018 पूछा गया था, मतलब यह बात हुई कि 2022 में जो आया था वो अधातु का रसायन से क्वेश्चन आया होगा, इससे 2018 क्वेश्चन दिख रहा है। तो कासा है, कासा क्या है भाई बता दो, बता दो, ऑप्शन देने की जरूरत है क्या? मिश्र धातु है, गैंग है, धातुमल है, गालक है, बताओ। 2018 पूछा गया था, लड्डू क्वेश्चन, बताओ भाई क्या है? आपको तो पता ही होगा क्या है भाई, गैंग है क्या? नहीं, गैंग नहीं है, गालक नहीं है, धातुमल नहीं है भाई। आपको पता है क्या है? ये है आपका मिश्र धातु। मिश्र धातु है क्या? मिश्र धातु कौन? कासा, मिश्र धातु। बताने की जरूरत है, कॉपर जिंक वाले जब पढ़ाए थे हमने, और आपको पता भी होगा मिश्र धातु का एग्जाम्पल है क्या? कासा। ठीक है, कासा, चांदी, सिक्का, ये सब पूरा एग्जाम्पल है मिश्र धातु का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं भाई, मिश्र धातु इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी सबसे सक्रिय धातु है? 2018 पूछा गया था सेट ए में, कौन सी सक्रिय धातु है? ऑप्शन देखो सर, ऑप्शन है अपने पास मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सोडियम, जिंक, बताओ क्या होगा। हमने बात किया था और आपको पता भी होना चाहिए, या फिर पता नहीं है तो भी बता दूं मैं एक्चुअल में आपके लिए पूरा हर वीडियो जो है आपको प्रोवाइड कर दिया हूँ हमारे टीम के द्वारा अभिप्सा ऐप में, तो उसी को मैं बोल देता हूँ कि मैं आपको बता चुका हूँ करके। तो आपको पूरा डिटेल चाहिए तो हमारे ऐप में आइए और पूरा A to Z आपको मिलेगा। ठीक है, हाँ चलो, क्या बोल रहा था मैं, आ मैग्नीशियम, ब एल्यूमिनियम, स सोडियम, द जिंक, क्या हो सकता है आंसर, गैस करो। अब आपको याद आएगा कि हम जो रिएक्शन किए हैं इसे, आपके चैप्टर में रिएक्शन दिया है, सबसे ज्यादा क्रिया जो तत्व का है ऐसा करके बोलता था मैं, या फिर आपको पता ही है कि क्या होता है सर, सोडियम ऐसा है जो क्या होता है हवा में या फिर पानी जो दिखता है उसमें क्या होता है, ब्लास्ट हो जाता है। तो भाई ये क्या क्वालिटी है उसका, ये उसका क्वालिटी है सक्रिय धातु होने के कारण वो उसे करता है, और इसका आंसर हो जाएगा, स्टार मार्क डाल दो, सोडियम। बात समझ में आई, यहां तक समझ में आया, इतना इजी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसी क्वेश्चन को बोल सकता है, देखो कासा है, इनमें से मिश्र धातु है बोलेगा, ऑप्शन में दे देगा, कासा दे दिया, हाइड्रोजन, सोडियम, सब एग्जांपल दे देगा, कुछ भी बेवकूफ बनाने के लिए आपको दे देगा। भाई आपको क्या करना है, दिमाग लगाना है, कासा क्या है सर, मिश्र धातु, मिश्र धातु क्या है सर, कासा, क्लियर, समझ में आया, कासा, फासा ऐसा नहीं बोलना है, कासा, मिश्र धातु, क्लियर, समझ में आया, आगे बढ़े। अब नेक्स्ट देखते हैं, बॉक्साइट आयस्क का सूत्र है, बताओ भाई बॉक्साइट आयस्क का सूत्र क्या है,
MgCO3 है, Al2O3 है, 2H2O है, SnO2, Fe2O3, क्या है भाई बताओ? इसका आंसर देखो पता चल जाएगा, Al2O3, 2H2O, बताने की जरूरत नहीं है आपको, तो इतना तो है आपको याद करने पड़ेगा भाई। मक्सर डायज का सूत्र है ये जो है, इसको आपको याद करना है। जैसे मैग्नीशियम का देखो, मैग्नीशियम कार्बोनेट ये किसका होता है, Fe2O3 ये किसका होता है, इसको पता ही हेमेटाइट है, ये तो पता है, इसको याद करना पड़ता है बच्चों, ठीक है। SnO2 ये क्या होता है, ये पूरा आपको सीरीज दिया गया है, आपके बुक में दिया गया है, उसको आपको याद करना पड़ेगा थोड़ा समझदारी के साथ, ठीक है। अब नाशपति आकार की भट्टी है, एक पूछा गया था, 2018 पूछा गया था सी में, ठीक है। अब नाशपति आकार की जो भट्टी है उसको क्या बोलोगे, 17 पूछा गया था, क्या बोलते हैं सर, वाते भट्टी, चूना भट्टी, परावर्तक भट्टी, बेसेमर परिवर्तक। क्या बेसेमर परिवर्तक इसका आंसर है? नहीं, क्यों? ये तो अलग पोर्शन है सर, चूना भट्टी भी अलग है, नाशपति जैसा दिखता है, मतलब क्या उसका शेप कैसा रहता होगा सर, ये ऐसा ऐसा टाइप। तो भाई हमने लोहा के बारे में जब बात किया था, आप अपने चैप्टर भी देखेंगे तो लोहा का जो वाते भट्टी की बात करूंगा, तो ये क्या कैसे दिखता है, ये जो दिखता है नाशपति की तरह, इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाते भट्टी। क्लियर? कब पूछा गया था सर, 2017 में, हलवा क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, हलवा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं हम, कैल्शियम सिलिकेट है, पूछ दिया, देखो कैल्शियम सिलिकेट, सिलिकेट वाला क्या पोर्शन आता है, गंदगी में आता है, याद करना, ये जो है गंदा पोर्शन में आता है, तो सिलिकेट क्या है, गंदा क्या कहलाता है, मिश्र धातु कहलाता है क्या, नहीं, गैंग कहलाता है क्या, नहीं, धातुमल कहलाता है क्या, गलत कहलाता है क्या, बताओ भाई, बताओ भाई, धातुमल, ये उसका आंसर, गलत नहीं कहलाएगा, तो आंसर क्या हुआ, धातुमल। ये ऐसा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में से है, आ सकता है, धातुमल कहलाती है, इसके आंसर में ये भी दिया जा सकता है। बात समझ में आई बच्चों, यहां तक समझ में आया, इजी क्वेश्चन आता है, इससे ज्यादा टफ नहीं आती, ठीक है। स्टेनलेस स्टील का अवयवी धातु है, अब देखो स्टेनलेस जो स्टील है उसमें क्या क्या मिला रहता है, देखो ऑप्शन देखो, कॉपर, जिंक तथा टिन, देखो आंसर पहले से आ गया, देखो टिक, आयरन, क्रोमियम तथा निकिल, कॉपर, आयरन तथा जिंक, और आयरन, टिन तथा एल्यूमिनियम। आपको कॉम्बिनेशन याद करके रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो लिस्ट दिया गया है मिश्र धातु का उसको भी आप अच्छे से ध्यान दीजिए, उसमें जो हाईलाइट कर लीजिए, कासा कासा का मिश्र धातु इसमें किसे किसे मिलकर बना है, कॉपर जिंक से क्या मिलकर बना है, क्या बन कैसा बना है, इस्पात बनता है, ये कॉपरलेस सॉरी क्या है, स्टेनलेस स्टील है, इसका अवयवी धातु क्या क्या है, आयरन, क्रोमियम, आयरन, क्रोमियम और निकिल, ये तीनों का मिक्सचर है, क्या, स्टेनलेस स्टील, ठीक है, याद रखना है आपको। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, अब क्या पूछ सकते हैं ये भी देख लेते हैं। अब वो बोल दिया भर्जन प्रोसेस होता है, भर्जन क्रिया होती है, चार ऑप्शन दे दिया, इसमें सांद्रण होती है, इसमें आय होता है, इसमें एस्को का क्या होता है भाई, निष्कर्षण होता है, इसमें ऑक्साइडों का परिवर्तन होता है, तो जो सही आंसर है उसको लिख देना। निस्तापन प्रक्रिया होती है, ऐसा प्रश्न ही पूछा सकता है। अब बोलेगा सांद्रण की कौन कौन से चरण होता है, लोहा को, लोहा का निष्कर्षण किस में किया जाता है, वाते भट्टी में किया जाता है, या फिर अलग से गुरुत्व पृथक्करण विधि से किया जाता है, चार ऑप्शन दे सकता है, बस आपको दिमाग लगाना है, वाते भट्टी आ रहा है, वाते भट्टी टिक करिए। क्लियर, समझ में आया, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई, एक्सपेक्टेड है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, अब बोलता है उचित संबंध जोड़िए करके भी पूछ देता है, 2022 में पूछा गया था, चूना पत्थर का सूत्र बताओ करके, बच्चा बच्चा बता देगा सर क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है। 2022 में ही पूछा था आयरन पायरेट क्या है, इसको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, आयरन पायरेट बोलते ही पता चला चाहिए आयरन आएगा सर, ठीक है। पायरेट में क्या होता है, पायरेट बोलते ही आपको पता चलेगा कि जो सल्फर वाला कैटेगरी बच्चों, सल्फर वाला रहता है उसमें पायरेट शब्द बोला जाता है, तो Fe2H आएगा। क्लियर, अब पूछ दे कॉपर पायरेट, देख लो फिर सल्फर आ गया, कॉपर है ये, ठीक, ऐसा 2022 में आया था ये दोनों ना, 2022 में पूछा गया था, ठीक है। 2023 में भी पूछा जा सकता है, संभावना है, आपको टेबल याद रखना है, चूना पत्थर का कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये, तो ठीक है सर, कॉपर पायरेट, आयरन पायरेट, इसका भी आपको टेबल देखना पड़ेगा, आयसो के नाम, आयसो के सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों, इसमें कोई सर कितना भी आपको याद दिलाए रटवा दे, लेकिन आपको तो याद रखना पड़ेगा, क्योंकि परफॉर्मेंस आपको देना है एग्जाम में, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अब देखते हैं, देखो ये MCQ की बात चल रही थी, अब देखो सही संबंध जो है उससे जोड़ दिए, अब पता चलता है कि सर रिक्त स्थान भी तो आता है इससे, दो नंबर का जब क्वेश्चन आ रहा है इससे, एक एक नंबर का MCQ और आपका फिल इन द ब्लैंक्स जो आ रहा है, दो नंबर देने वाला है, तो सर ये भी तो रिक्त फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जा सकता है। पहला देखो, चूना पत्थर का सूत्र है, चूना पत्थर बताओ भाई, चूना पत्थर कौन नहीं बता पाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, उसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, CaCO3, क्या, CaCO3, लिखने की जरूरत नहीं, पता चल जाएगा, कब पूछा गया था, 2022 में। क्लियर, आगे बढ़ू, नेक्स्ट देखू, नेक्स्ट देखता हूं मैं सर कि
समूह तीन से बारह तक के तत्वों को क्या बोला जाता है? ये क्वेश्चन उसमें भी रिपीट हुआ था, इसमें भी आ सकता है। क्यों? तत्वों की बात इसमें भी करता हूं, धातु की बात इसमें भी करता हूं, तो क्या आएगा भाई? बच्चा बच्चा जानता है क्या? संक्रमण तत्व। क्लियर? और समझाना है इसमें कुछ लगेगा आपको? संक्रमण उसमें भी डिस्कस किया था, तीन से बारह ये बताया था उस चैप्टर में भाई, ये वाला डी ब्लॉक बताया था माइंड मैप में, ठीक है। अभी इस वाले चैप्टर में माइंड मैप की जरूरत नहीं पड़ेगी, छोटा सा है, ठीक है। तो देखो, हाँ क्या बोल रहा था मैं, दूसरा हुआ, तीसरा देखें। अधिक सक्रिय धातु द्वारा कम सक्रिय धातु को उसके लवण के विलयन से हटाने की जो अभिक्रिया है वो कहलाती है। देखो मजेदार क्वेश्चन है, अधिक सक्रिय धातु द्वारा कम सक्रिय धातु को उसके लवण के विलयन से हटाने की क्रिया कहलाती है। मैं ये बोलूंगा, आपका दिमाग का मैं टेस्ट करता हूं, इसको मैं नहीं बताऊंगा, इसको लास्ट में बताऊंगा आपको, ठीक है? ठीक है, बात समझ में आई? इसका आंसर मैं थोड़ा देर बाद दूंगा, लास्ट में। ये अगर आपको आंसर पता है तो तुरंत आप कमेंट कीजिए, ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा, हम देख लेंगे और समझ आएंगे कि कौन बच्चा देख रहा है, कौन बच्चा समझ रहा है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप तक गर्म करने की अभिक्रिया क्या कहलाती है भाई, बताओ? निस्तापन कहलाती है, निस्तापन कहलाती है। क्लियर? 2019 में पूछा गया था। हेमेटाइट अयस्क का सूत्र बताओ भाई, Fe2O3, बताने की जरूरत ही नहीं है। गलक अशुद्धियों के साथ क्रिया करके क्या बनाता है भाई, धातु मल बनाता है, बताने की जरूरत है क्या? सरल है सर, बता ही दो, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और देखो मैं, मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातु अथवा अधातु के क्या होता है भाई, क्या मिश्रण होती है? असमांगी होती है कि समांगी? समान मात्रा में मिला रहता है, समान मात्रा में रहता है, उसे क्या बोलते हैं? समांगी। तो इस टाइप का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है बच्चों। क्लियर? यहां तो समझ में आई बात, यहां तो समझ में आया। इस टाइप का क्वेश्चन MCQs में, फिल इन द ब्लैंक्स में और मैच द फॉलोइंग में भी आता है, और इसी को रिपीट भी किया जा सकता है। आपको एक चूना का पत्थर पूछ दिया, वो बोल दिया बूझा हुआ चूना का फार्मूला बताओ, अनबूझा चूना का फार्मूला बताओ, बोल दिया हेमेटाइट अयस्क का सूत्र, देखो Fe2O3 दे दिया, यह किसका सूत्र है, ये पूछ दिया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एक नंबर में पूछा जा सकता है, बस आपको मगज का यूज करना है। और इतने क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड था और PYQ है बच्चों, आपको यही समझना है और हमसे जुड़ना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। तो आज के लिए इतने करते हैं, और आपके लिए जो होमवर्क मिला है और जो आंसर मिला है उसको कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइए, जो आंसर है उसको, ठीक है। देखना नहीं है, चीटिंग नहीं करना है। मैं बात कर रहा था एग्जाम सीरीज मिशन 2023 का, जो अभिप्सा हमारी टीम है वो आपके लिए लाया है। तो आप बिल्कुल हमसे जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, और आप कक्षा 11वीं में जैसे जाएंगे, कक्षा 12वीं में जैसे जाएंगे तो सब्जेक्ट का चयन करेंगे। तो इस सब्जेक्ट का चयन कैसे करना है, आप अगर आपको दिक्कत हो रही है समझने में कि मैं मैथ्स लूँ, बायो लूँ, कॉमर्स लूँ, साइंस लूँ, जो भी सब्जेक्ट लेना है, आपको कन्फ्यूजन आ रहा है, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर डिटेल्स पूछ लीजिए हमसे, और हमसे जानकारी ले लीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ मार्गदर्शन भी दिया जाता है, करियर काउंसलिंग का भी कार्यक्रम रखा जाता है। बिल्कुल आप हमसे डिस्कस कीजिए और उज्ज्वल भविष्य के लिए अपने पथ को आसान बनाइए। और मैं बता दूं कि आपको कक्षा 11वीं कक्षा 12वीं का पूरा मटेरियल चाहिए, पूरा पढ़ना है, लेक्चर अभी से तैयारी करना है, और अपना कॉम्पिटिशन लेवल के भी एग्जाम के फाइट करना है, तो हमसे जुड़िए। और हमारे ऐप में पूरा कोर्स जो है अवेलेबल है बच्चों, आप आगामी फ्यूचर को देखते हुए प्रेजेंट में अपना एक्शन लीजिए। तो मैं बता दूं, एग्जाम सीरीज के साथ साथ आप जैसे एग्जाम के वक्त बोर होते हैं, खाली होते हैं, आप क्या करोगे, आप बिल्कुल हमारा ऐप लीजिए, उसमें सब्सक्रिप्शन लीजिए और कक्षा 11वीं की तैयारी कर लीजिए, कक्षा 12वीं की तैयारी कर लीजिए। हमारे विशेष जो फैकल्टी है वो आपके लिए क्या बोल सकते हैं इसे, कि लगे हुए हैं और आपके लिए मेहनत के लिए क्या करेंगे, आपको मोटिवेट भी करेंगे, और साथ ही साथ आपको बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही शानदार तरीके से अध्ययन कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।